खबर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले से है, जहां पर छपार थाना पुलिस ने 5 डकैतों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने डायल 112 सूचना पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दल बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस को आता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही उसके 4 साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में बदमाशों ने हाल ही में हुए डकैती मामले में अपनी गुनाह कबूल किया। एसएसपी विनीत ने गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार दिया और मनोबल बढ़ाया। देखिए, जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपार क्षेत्र के ग्राम खुड्डा में 22/23 की देर रात को कुछ अज्ञात बदमाश लूट के उद्देश्य से एक घर में प्रवेश किए थे, जहां पर घर वालों के जागने और शोर मचाने के बाद जब उन्होंने भागने का प्रयास किया तो घर के एक सदस्य द्वारा एक बदमाश को पकड़ने का प्रयास किया गया। उसका पैर पकड़ लिया गया, जिसमें विरोध स्वरूप उसने बदमाश ने फायरिंग कर दी और गोली लगने से वो युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।